हेलो गाइस, मैं बिग बॉस एक्सट्रीम से जुड़ी हुई लेटेस्ट खबर लेकर आपके सामने पेश हुई हूँ। बिग बॉस में लाइव फीड में दिखाया जा रहा है कि जो प्रियंका चौधरी है वो टीना दत्ता एंड शालिन के बीच में पैचअप करवाने को बहुत ज़्यादा कोशिश कर रही है। ऐसे में वो टीना दत्ता के साथ बातें करने लग जाती है और टीना दत्ता को वो पहले तो इम्प्रेस करती है और उसी के बाद वो कहती है कि तुम दोनों एक साथ कितने प्यारे लगते थे, सच में तुम दोनों एक दूसरे के बिना किसी और के साथ तो बैठते ही नहीं थे, लेकिन तुम दोनों एक दूसरे के साथ बहुत बढ़िया लगते थे। अब ना तुम जब से आई हो टीना, तब से ना तुम दोनों एक दूसरे के साथ बैठे भी नहीं हो, सच में बहुत बुरा लग रहा है। तभी टीना दत्ता उनको कुछ ऐसी बातें बताती है शालिन की, जिसके कारण प्रियंका चौधरी भी शॉक्ड हो जाती है। और टीना दत्ता कहती है कि देख, तू वैसे तो शालिन की बहुत अच्छी दोस्त है, उसकी ही हमेशा सपोर्ट करवाती है, लेकिन प्रियंका तू मुझे बता कि कोई बंदा अगर तुम्हारे सामने किसी और लड़की की तारीफ करे और तुम्हारा किसी और लड़की के सामने कंपेयर करे, क्या तुम्हें अच्छा लगेगा? और छोटा छोटी काम भी वो तुम्हें सुनाए तो तुम्हें अच्छा लगेगा? तभी प्रियंका चौधरी कह देती है कि वैसे कंपैरिजन करे तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, अंकित किसी और की कोई कंपैरिजन कर सकता है, लेकिन जब वो जानबूझकर सुनाकर उसकी तारीफ करे और मेरी बेइज्जती करे तो मैं ये बात कभी भी सहन नहीं कर सकूंगी। और टीना, तुम्हें इन बातों पर ना तभी ही आवाज उठानी चाहिए थी। तभी टीना दत्ता ऐसी कुछ शालिन की बातें बताती है और कह देती है कि अब तू बता कि मुझे क्या करना चाहिए। तभी प्रियंका चौधरी कह देती है कि कोई बात नहीं, फिर तुम ना डिसाइड कर लो और उसे बता दो कि तुम अब उसके साथ बातचीत नहीं करोगी। लेकिन टीना दत्ता फिर कह देती है कि नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती, मैं क्यों बताऊं उसे, और मैं अभी जे इस बात के लिए भी कन्फर्म नहीं हूं प्रियंका कि मैं उसके साथ आगे जाकर बात करूंगी या नहीं। तभी प्रियंका कह देती है कि ठीक है, तुम ऐसा करो ना कि तुम थोड़ा टाइम ले लो, जिसके कारण तुम जो फील होगा थोड़े दिन बाद तुम वैसा करना। तभी टीना दत्ता भी उनकी बातों से सहमत हो रही है। लेकिन आप प्रियंका और टीना की इस बातों से कितने के सहमत है और आपका क्या रिएक्शन है, प्लीज़ आप अपनी राय हमसे शेयर जरूर कीजिए। और उनसे जुड़ी हर अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से जल्दी कर दीजिए। धन्यवाद।